तो गाइज़र आज की वीडियो में हम लोग सरवाइव करने वाले हैं 99 ईयर एज अ फास्टेस्ट एनिमल और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल बनने के लिए हमारी मदद करने वाले हैं लॉयन किंग। लॉयन किंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आज वो मेरी मदद करने वाले दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल बनने में। तुम्हारा सबसे पहला चैलेंज है, अगर तुम्हें दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल बनना है तो इस पहाड़ को चढ़ के जो भी सबसे पहले लाल धुएं को टच करेगा उसको मैं ट्रेनिंग दूंगा दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल बनने की। चलो शुरू करते हैं, 3, 2, 1 गो। चलो कैसर फटाफट से भागते, मुझे कैसे भी करके सबसे पहले पहाड़ पर पहुंचना पड़ेगा। ये गधे का बच्चा और वो छोटा शेर, ये गधे का बच्चा बहुत ही मेरे से ज्यादा पीछे है और वो छोटा सा जो लॉयन का बच्चा है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा स्लो है। चलो फटाफट से फुल स्पीड में भागते हैं, सबसे पहले मैं ही पहुंचूंगा। चलो चलो चलो, अरे ये गधा तो अभी मेरे पीछे, एक सेकंड, ये लॉयन का बच्चा मेरे से आगे कैसे पहुंच गया? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे इस रेस को जीतना है, मैं तुझे नहीं जीतने दूंगा, हट जा। और ये मैं जीत गया। तो गाइस मैं अपना पहला चैलेंज जीत चुका हूँ और ये दोनों हार गए। बहुत बढ़िया बच्चे, तुम अपना पहला चैलेंज जीत चुके हो, मैं तुमको ट्रेन करूंगा, उससे पहले तुम अपग्रेड होने वाले हो सबसे पहले चीता में। और गाइस अभी आप देख सकते हो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ सबसे पहले चीता में। बच्चे इस चीता की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे खतरनाक फास्टेस्ट एनिमल बनना है तो तुम्हें अपनी स्पीड को 1000 किलोमीटर पर आवर करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलो फिर चलते हैं अगले चैलेंज पर। तो बच्चे अगले चैलेंज के लिए तुम बच्चे अगर तुम्हें अगले फास्टेस्ट एनिमल में अपग्रेड होना है तो तुम्हारा कॉम्पिटिशन होने वाला है इस गोरिल्ला से। क्या गोरिल्ला से? ये क्या मुझे मारने वाला है? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तो बच्चे तुम्हारी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, पर तुम्हें अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर करना पड़ेगा। तुम्हें इस गोरिल्ला से बच के भागना पड़ेगा। अगर इस गोरिल्ला ने तुम्हें पकड़ लिया तो ये तुम्हें खा जाएगा, फिर तुम कभी भी दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एनिमल नहीं बन पाओगे। तुम्हें अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर पर लेके जाना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? अरे रुको रुको, ठीक है तुम तैयार हो, 3, 2, 1 गो। भागो। अरे कैसा, ये गोरिल्ला का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया, जल्दी से मुझे भागना पड़ेगा। रुक जा, मैं तुझे आज खा जाऊंगा चूजे। अरे कैसर लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में, मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा सपना टूट जाएगा दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल बनने का। और ये भी बहुत ही ज्यादा तेज भाग रहा है, जल्दी भागो। रुक जा। अरे भागो भागो भागो, ये तो मेरे बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है, जल्दी भागो जल्दी भागो। कैसर मेरा स्पीड मीटर धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर कैसर 100 तक पहुंचने में बहुत ही टाइम लगेगा और ये मेरे पीछे आ चुका है। अरे मुझे बचा लो अंकल, अंकल मुझे बचा लो। मुझे कोई नहीं बचा सकता चूजे, आज मैं तुझे खा जाऊंगा, बहुत ही टेस्टी लग रहा है तू मुझे। रुक जा बच्चे। भागो, ये गोरिल्ला तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया है, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ ताकि मुझे देख ना पाए। भागो भागो भागो, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। अबे चूजे कहाँ चला गया? चूजे कहाँ पर है तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे कैसर ये मेरे जस्ट ऊपर, इसको पता ही नहीं चल रहा। ए चूजे कहाँ पर है तू? ए रुक जा, ए रैबिट रुक जाओ, मैं तुमको खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। रैबिट रुक जा, रैबिट मैं तुझे खाना चाहता हूँ। रैबिट एक और रैबिट मिल गया, आम न्याम 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 न्याम, तुझे खाऊंगा तुझे खाऊंगा, रुक जा रैबिट तुझे खाऊंगा मैं। अरे कैसर लगता है मैं बच चुका हूँ, चलो चलो फटाफट से भागते हैं, जितना ज्यादा मैं भागूंगा उतना ज्यादा मेरा स्पीड मीटर बढ़ेगा और मैं 100 किलोमीटर पर आवर पे आ जाऊंगा, उसके बाद मैं अपग्रेड हो सकता हूँ। चलो भागो भागो कैसर, मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच गया 100 के, जल्दी जल्दी फुल स्पीड में भागते ताकि मैं 100 तक पहुंच जाऊं। रुक जा चूजे। अरे ये क्या, ये फिर से आ गया? अरे कैसर लगता है फुल स्पीड में भागना पड़ेगा, मैं 97 पर तो पहुंच गया हूं, मुझे थोड़ा सा और भागना है, थोड़ी देर तक और बचना है। रुक जा चूजे, तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। भागो, 98, 99, अरे कैसर सिर्फ एक और चाहिए, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो 1, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो 1 ताकि मुझे एक और स्पीड पॉइंट मिल जाए और मेरा 100 हो जाए, जल्दी से कमेंट कर दो वरना ये मुझे खा जाएगा, मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। रुक जा। और ये 100।
रैबिट। चूजे तू थोड़ा सा बच गया, मैं बस तुझे खाने ही वाला था। बहुत बढ़िया, तुमने अपना अगला चैलेंज भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम तुम्हें अपग्रेड करने वाले अगले फास्टेस्ट एनिमल में। तो कैसर अभी मैं अपग्रेड हो चुका हूँ अपने अगले फास्टेस्ट एनिमल में। क्या उस चूजे से फास्ट है ये बंदर? उस चूजे से बहुत ही ज्यादा फास्ट है बंदर। रुको अभी टेस्ट करते हैं। तो कैसर देखते क्या हम सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और कैसर आप देख सकते बंदर तो सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मैं कितना तेज भाग पा रहा हूँ। अभी मैं हवा के ऊपर भाग रहा था एक सेकंड के लिए, पर अभी मैं मर चुका हूँ। तो कैसर अभी आप देख सकते हो मेरी स्पीड बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। उसके साथ मुझे बंदर वाली पावर्स मिल गई, तो मैं बड़े बड़े जंप भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हो इस ट्रक के ऊपर से कितना बड़ा जंप कर लिया। देखो 1 2 3। पिछले एनिमल से ये वाला एनिमल बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये बहुत तेज भाग सकता है, बड़े बड़े जंप कर सकता है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही खतरनाक है। पर कैसर हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल बनना है। अगर आपको जानना है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और अपन चलते अपग्रेड होने दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एनिमल में। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अपनी स्पीड को बढ़ाना है तो सामने जो रैबिट है तुम्हें उसे पकड़ना पड़ेगा। अगर तुमने इसे पकड़ लिया है तो तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़ने वाली है। क्या सिर्फ रैबिट को पकड़ने स्पीड बढ़ेगी? ये तो बहुत ईजी है। अभी इसको पकड़ लेता हूँ। रैबिट हाउ आर यू? ये तो हिल भी नहीं रहा। अभी इसको पकड़ता हूँ। एक सेकंड, ये कहाँ चला गया? हेलो हेलो, अरे उधर कैसे पहुँच गया? रुक जा रैबिट, ये ले। अरे ये तो फिर से गायब हो गया। हेलो मैं इधर हूँ। एक सेकंड, ये वहाँ पर कैसे पहुँचा? अरे ये कितना ज्यादा फास्ट है, इस बार नहीं बचेगा। अरे ये तो फिर से गायब हो गया। अरे कैसर ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। रुक जा रैबिट। अरे अब कहाँ चला गया ये, कहाँ गया? हेलो हेलो, कैसे हो? तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट हूँ। पर तू मेरे से ज्यादा फास्ट नहीं है। अरे अब कहाँ चला गया ये? हेलो हेलो, अरे ये मेरे पीछे कैसे आ गया? अरे तू कितना ज्यादा फास्ट है। अगर तुम मुझे पकड़ते हो तो तुम्हारी स्पीड 500 गुना हो सकती है। क्या 500 गुना? मुझे इसको कैसे भी पकड़ना पड़ेगा। रुक जा रैबिट, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। हेलो हेलो, अरे कैसर ये इतना दूर कैसे पहुंच गया? ये तो सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मुझे इसको कैसे भी करके पकड़ना पड़ेगा। रुक जा, अरे रुक जा, अरे कहाँ जाता जा रहा है? रुक जा। अरे अब क्या चला गया? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। मैं थक चुका हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। ये रैबिट बहुत ही फास्ट है, जैसे मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ये गायब हो जाता है। इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं इसको कैसे पकड़ूंगा? तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। मैं इसको पकड़ के रहूंगा, चुपचाप से पीछे चलेंगे। रुक जा। तुमको क्या लगा तुम मुझे पकड़ लोगे? अरे कैसर ये तो सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं जैसे इसके पास जाता हूँ ये गायब हो जाता है। रैबिट मेरी बात सुन, मुझे तुझे पकड़ने दे। रैबिट मेरी बात सुन, ये रुक जा। अरे कैसर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे ऐसे तो पकड़ नहीं सकता। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। कैसर मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आ चुका है। तो कैसर अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स रख दिए, आप देख सकते हो उसमें केला, ऑरेंज, एप्पल और भी बहुत सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे छुपने वाला हूँ, चुपचाप से अपन यहाँ पे छुप जाएंगे। अरे ये बंदर का बच्चा कहाँ चला गया? एक सेकंड, मुझे बहुत ही खुशबू आ रही है। हा हा हा, क्या ही खुशबू है। अरे वाह, इतने सारे फ्रूट्स, ये तो बहुत ही अच्छे फ्रूट्स लग रहे हैं। चलो इनको फटाफट से खा लेता हूँ। ये रैबिट का बच्चा मेरे जाल में फंस चुका है, चुपचाप से हम इसके पीछे जाएंगे। ये ले रैबिट, ये ले, मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने इसको पकड़ लिया। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने रैबिट को पकड़ लिया, तुम होते हो अपग्रेड। तो कैसर अभी मैं अपग्रेड हो चुका हूँ एक जिराफ में, और ये जिराफ इतना ज्यादा लंबा है कि मुझे इसकी गर्दन भी दिखाई नहीं दे रही। आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा लंबा हूँ, मैं खुद की गर्दन भी नहीं देख पा रहा, पर मैं सही में बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका हूँ। तो फटाफट से स्पीड टेस्ट करते हैं हमारी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और लगता है सही में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो कैसर मुझे पता चला है मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं पानी के ऊपर भाग सकता हूँ। भागते फटाफट से, 3 2 1 गो, भागो। पानी के ऊपर का तो नहीं पता, पर मैं पानी के नीचे जरूर भाग पा रहा हूँ, ये मैंने पहली बार देखा है। अगर अपनी स्पीड ज्यादा होती है तो हम पानी के ऊपर भाग सकते हैं, पर कैसर अभी मैं जमीन में भाग रहा हूँ, मतलब यार पानी के नीचे भाग रहा हूँ, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। ये भी खतरनाक सी पावर है जिराफ के पास। तो कैसर हम अपग्रेड हो चुके हैं अपने तीसरे फास्टेस्ट एनिमल में, जो कि एक खतरनाक सा जिराफ। इसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। पर कैसर
सर हम रुक नहीं सकते क्योंकि हमें दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल बनना है और ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल नहीं है। मुझे ऐसा फास्टेस्ट एनिमल चाहिए पानी के नीचे भी बहुत ही ज्यादा तेज भाग सके। ये जिराफ पानी के नीचे इतना ज्यादा तेज नहीं भाग पा रहा, तो मुझे ऐसा एनिमल चाहिए जो पानी के नीचे भी बहुत ही ज्यादा तेज भाग सके। तो चलो फटाफट से चलते हैं, अपग्रेड होते हैं दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एनिमल में। तुम्हारा स्वागत है अगले चैलेंज में। अगर ये चैलेंज तुम करते हो तो तुम्हारा मीटर 1000 किलोमीटर पर आवर पर पहुंच सकता है। तुम तीनों के बीच में ये होने वाला है कॉम्पिटिशन और जो भी ये जीतेगा वो हो सकता है लॉस सैंटोस का फास्टेस्ट एनिमल, इस पूरी दुनिया का फास्टेस्ट एनिमल। तुम्हारे पीछे है सारी की सारी गाड़ियां, कोई भी गाड़ी तुम यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग लाइन से होते हुए ज्यादा है तुमको पूरे के पूरे चैलेंजेस को कंप्लीट करते हुए सारे हर्डल सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करते करते तुम्हें जाना है फिनिशिंग लाइन की इस फुटबॉल पर। इस फुटबॉल को गोल करना पड़ेगा, अगर तुमने गोल किया तो तुम्हारा स्पीड मीटर 1000 तक पहुंचेगा। सबसे पहले बारी बिल्ली मौसी की। ओके ओके, सबसे पहले मेरी बारी आ चुकी है। मैं अभी बहुत ही ज्यादा फास्ट हूं, पर मैं और भी ज्यादा फास्ट होने चाहती हूं। मुझे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल बनना है। अब तुम देखना मैं क्या करने वाली हूं। तो गाइस सबसे पहले जाने वाली हमारी बिल्ली मौसी इस चैलेंज को करने। देखते हैं ये क्या करने वाली और अपनी गाड़ी को लेके यहां से निकल चुकी है फुल स्पीड में कूदाते हुए अपनी गाड़ी को, और ये ऊपर क्रैश हो चुका है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, मैं वापस से करूंगी। चलो और काजरी बिल्ली मौसी वापस से जा चुकी है और ये फिर से जा रही है पुलिस में, फिर से टकरा गई। इसको टकराने का पता नहीं क्यों शौक है। और काजर ये यहाँ पर पहुंच चुकी सारे ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते करते, और ये पंखे ने मारा तेज से पर इतना तेज भी नहीं था कि इसकी गाड़ी उड़ के चली जाए। अभी देखते हैं क्या करने वाली, क्या ये फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगी। तो काजर आप क्या चाहते हो कि कौन जीते, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। मैं तो बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट करो जिराफ जीत जाए, इसका मतलब मैं जीत जाऊँ ताकि मैं आराम से चैलेंज को जीत सकूं। और गाइजर इसकी गाड़ी जा रही है गोल की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा रही, और ये जा रही सीधा पानी में, तो हमारी बिल्ली होती है डिस्क्वालीफाई। बिल्ली तो नहीं कर पाई, पर क्या इस चूहे में इतना दम है ये चैलेंज कंप्लीट कर सकता है। अरे तुम देखो मैं कैसे इस चैलेंज को आराम से कंप्लीट करता हूं। बिल्लियों में तो वैसे दिमाग नहीं होता, मैंने तो बचपन से कहा है। तुम देखो मैं कैसे इस चैलेंज को कंप्लीट करने वाला हूं। तो गाइजर इस चूहे की बारी आ चुकी है, देखते हैं ये करने वाला है, क्या ये सही में चैलेंज कंप्लीट कर पाएगा या फिर ये ऐसे ही बोले जा रहा है। और काइजर गाड़ी हवा में उड़ते उड़ते जा रही है और ये हमारे चूहे ने मस्त सा लैंड कर लिया है। ये कहीं पे टकराया भी नहीं, बिल्ली यार दो बार टकराई थी, पर देखते क्या हमारा चूहा मास्टर टकराएगा। नहीं ये दूसरी बार भी नहीं टकराया, ये आ चुका है आराम से यहाँ पर, लैंडिंग यहाँ पे हो चुकी है। ये गाड़ी F1 रेसिंग कार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप देख सकते चूहा हमारा कितनी मस्त गाड़ी चला रहा है और ये फुल स्पीड में चल रहा है, और गोल करने की बारी भी आ चुकी है। क्या हमारा चूहा पहुंच पाएगा गोल तक, चलो फटाफट से देखते हैं। और ये गोल से थोड़ा सा आगे जा रहा है पता नहीं क्यों। और काइजर ये क्या, और हमारे चूहे की F1 रेसिंग कार नीचे जा रही है पानी की तरफ, और हमारा चूहा भी होता है डिस्क्वालीफाई। जिराफ अब सिर्फ तुम बचे हो, अगर तुमने इस चैलेंज को कंप्लीट किया तो तुम्हारी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर पहुंच सकती है, या तो फिर तुम भी उस बिल्ली और चूहे की तरह पानी में जाके सो सकते हो। अंकल आप टेंशन मत लो, मैंने इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है और मैं इसको कंप्लीट करके रहूंगा। तो काइजर अगर आप मेरे साथ हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो गुड लक जिराफ, ताकि आप सबका गुड लक मुझे मिल जाए और मैं ये चैलेंज आराम से जीत जाऊं। फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं और काइजर हमारी गाड़ी हवा में उड़ना चालू हो चुकी है। अगर आपने अभी तक गुड लक कमेंट में नहीं लिखा तो लिख देना, क्योंकि आपके गुड लक की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, आराम से बैलेंस करना पड़ेगा। चलो फटाफट से हमारी गाड़ी बैलेंस हो चुकी है, फुल स्पीड में चलते हैं वापस से। मुझे इस चैलेंज को कैसे भी करके कंप्लीट करना है। और काइजर टकराते हम यहाँ पर पहुंच गए, आप देख सकते हो भाई कि मेरी गाड़ी की हालत थोड़ी खराब हो गई है, पर काइजर हम इसको बैलेंस कर लेंगे बस आराम से। इस गाड़ी से मेरी मुंडी देखो कैसे बाहर आ रही है, मैं इतना ज्यादा लंबा हो कि पूरी पूरी मुंडी बाहर आ रही है, पर कोई बात नहीं हम इस चैलेंज को कंप्लीट करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलो फटाफट से भगाते हैं कूदाते हैं अपनी गाड़ी को। और काइजर सामने मुझे फुटबॉल दिख रही है, सामने मुझे गोल करने का दिख रहा है, क्या हम वहां पे पहुंच पाएंगे या फिर हम पानी में गिरेंगे। और ये क्या मैं पहुंच गया फिनिशिंग लाइन पे, रुक जा मुझे बोल दो
का गोल करना है। अरे रुक जा, अरे बॉल का जरिए, अरे बॉल तो उस तरफ जा रही है, इस बॉल को हमें उधर लेके जाना पड़ेगा ताकि हम इसको गोल कर सके। 3-2 अरे कहाँ जा रही है, रुक जा रुक जा रुक जा, हमें इसको बिल्कुल ढंग से सेट करना पड़ेगा। रुक जाओ कैसर, हम बिल्कुल तैयार है इस बॉल को गोल करने के लिए। 3-2-1 गो। और कैसर, हमने इस बॉल को गोल में डाल दिया, मतलब ये चैलेंज मैं जीत चुका हूँ। तो कैसर ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा हार्ड था, वो बिल्ली और वो चूहा दोनों ही नहीं कर पाए थे। एक बार कैसर मैंने यानी जिराफ ने कर दिया ये चैलेंज बिल्कुल कंप्लीट। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया, ये लो तुम्हारी पावर। और कैसर अभी आप देख सकते हो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से लॉयन में, और ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। पर क्या ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है? तुम्हारी स्पीड सिर्फ 900 किलोमीटर आवर पर पहुंची है और तुम उसको 1000 पर लेके जा रहा था। अरे तो 100 स्पीड और दो ना। बच्चे मेरे पास सारी की सारी स्पीड खत्म हो चुकी है, अगर तुम्हें और स्पीड चाहिए तो तुम्हें खुद जाके ढूंढनी पड़ेगी। अरे अंकल ये क्या बोल रहे हो, खुद जाके कहां से ढूंढूंगा? बच्चे वो सब मुझे नहीं पता, पर अगर तुम्हें दुनिया का फास्टेस्ट एनिमल बनना है तो तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, लगता है अब ये करना ही पड़ेगा। तो कैसर मेरी स्पीड पहुंची 900 किलोमीटर पर आवर पर हमें चाहिए 1000, तो यार मुझे 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड और चाहिए, उसके लिए मुझे खुद जाके उसको ढूंढना पड़ेगा। चलो फटाफट से चलते हैं, देखते हैं कौन हमें दे सकता है 100 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड। चलो कैसर अभी यहाँ पर आ चुके, फटाफट से ढूंढते हैं, हमें 100 स्पीड और चाहिए, उसके बाद हम हो जाएंगे अपग्रेड दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एनिमल में। वो ले लो फ्री की स्पीड, ले लो फ्री की स्पीड, अगर तुमको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो ले लो। तो कैसर मुझे पता चला है यहाँ पर एक चीता है जो कि बेच रहा है स्पीड, पता नहीं कैसे बेच रहा है, मुझे समझ ही ना। अंकल ये स्पीड कितने की है? अरे बच्चे बिल्कुल फ्री। क्या फ्री? मुझे सारे दे दो। अरे बच्चे रुको, ऐसी स्पीड के पैसे नहीं लगेंगे, पर तुम्हें चैलेंज करना पड़ेगा। क्या चैलेंज? कौन सा चैलेंज? बच्चे इन सारे डब्बों में 10-10 स्पीड है, तुम्हें करनी पड़ेगी इस रिंग में फाइट। अगर तुम पहला राउंड जीतते हो तो तुम्हें 2 डब्बे मिलेंगे, अगर तुम दूसरा राउंड जीतते हो तुम्हें 3 डब्बे मिलेंगे, और अगर तुम तीसरा राउंड जीतते हो तुम्हें 5 डब्बे मिलेंगे, अगर तुम सारे के सारे राउंड जीतते हो तुम्हें मिलेंगे 10 डब्बे, मतलब 100 स्पीड। क्या 100 स्पीड? मुझे 100 तो चाहिए, मेरे पास 900 स्पीड है, 100 होते ही मैं दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमल में अपग्रेड हो जाऊंगा। तो बच्चे क्या तुम ये चैलेंज करना चाहोगे? हाँ मैं ये चैलेंज करना चाहूंगा। तो जाओ सबसे पहला राउंड 1, अगर तुम ये जीतोगे तो तुम्हें मिलेंगे 2 स्पीड के डब्बे। चलो कैसर फटाफट से चढ़ जाते हैं रिंग के अंदर, मैं लड़ने वाला हूँ। कैसर मुझे सारे के सारे राउंड जीतने पड़ेंगे, उससे मैं अपग्रेड हो सकता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट राउंड की बारी। फर्स्ट राउंड होने वाले हड्डी के डांचे और तुम्हारे बीच में, क्या तुम तैयार हो? क्या हड्डी का डांचा? इसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। 3-2-1 तो कैसर अभी हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है, स्केलेटन के बच्चे को मैं नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी, ये तो एक ही बारी में नीचे गिर गया, ये बहुत ही कमजोर है। आजा आजा पकड़ के दिखा, ये सही में बहुत ही कमजोर है स्केलेटन। आजा आजा पकड़ के दिखा, ये देखो भाई मुझे पकड़ ही नहीं पा रहा, पर मैं इसको जरूर पकड़ सकता हूँ, ये ले इसकी तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कैसर मुझे जल्दी से जल्दी सारे के सारे राउंड खत्म करने ताकि मैं दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल बन सकूं, इस स्केलेटन की तो ऐसी की तैसी, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो कैसर लगता है फाइट खत्म करने का टाइम आ चुका है, ये टॉप रिंग से चढ़ के मैं मारूंगा और इसको मारेंगे बहुत ही ज्यादा, ये स्केटन के बच्चे और काइजर ये यहाँ पर लेट चुका है। बहुत बढ़िया, तुमने पहला राउंड जीत लिया, तुम जीत चुके हो दो स्पीड के डब्बे जिसमें है 20 स्पीड। क्या तुम तैयार हो अगले राउंड के लिए? हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये है तुम्हारा अगला कंटेस्टेंट स्केलेटन गॉडज़िला। अरे कैसर पहले एक हड्डी के डांचे को मारा, अब ये गॉडज़िला आ चुका हड्डी के डांचे वाला। अरे ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, इसने मेरे को 2-3 बार पंच मार दिया, पर कोई बात नहीं कैसर, हम ज्यादा पावरफुल है, हम इसे नहीं छोड़ने वाले। अरे रुक जा भाई, इस स्केलेटन गॉडज़िला की ऐसी की तैसी, ये ले ये मुझे बहुत ही ज्यादा मार रहा है, पर मैं इसे छोड़ने वाला, इसके मुंह पे मारूंगा, ये पैर का, ये मुंह का। रुक जाओ इसको मुझे टॉप रोप से कूद के मारना पड़ेगा, हम यहाँ से करेंगे जंप और मारेंगे इसको तेज चाटा, ये रे। और कैसर ये भी गिर गया, अरे तो फिर से खड़ा हो गया। रुक जाओ लगता है इसको बहुत ही बुरा मारना पड़ेगा, ये ले इसको मैं नॉकआउट करने वाला हूँ ताकि मैं जा सकूं अपने राउंड 3 पे और हम आराम से जीत जाएंगे 3-3 बोतल। और कैसर मुझे लगता है ये स्केलेटन गॉडज़िला का गेम हो चुका है खत्म। बहुत बढ़िया, तुम अपना सेकंड राउंड भी जीत गए, अब बारी तुम्हारे थर्ड राउंड की, क्या तुम तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्या देखना, अगर ये राउंड तुम जीतते हो तो तुम्हें सारे के सारे डब्बे मिल जाएंगे और तुम फास्टेस्ट एनिमल बन जाओगे। हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये है तुम्हारा अगला कंटेस्टेंट, अगर तुमने स्कोर है तो सारे डब्बे तुम्हारे। ओ
अरे कैसर, ये थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हम ऐसे लड़के रहेंगे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले। तू कैसर, अब बारी आ चुकी है इस खतरनाक से, पता नहीं कौन सा जानवर है इससे लड़ने की, इसको फटाफट से मारते है। अरे इसका पंच बहुत तेज लगा, मेरी नाक टूट गई, बहुत तेज मार रही है। अरे भाई साहब रुक जाओ, अरे सही में बहुत तेज मार रहा है। ये ले मोटे साले, पता नहीं कौन सा जानवर है, पर मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये ले। अरे कैसर, ये सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसके पंच मुझे सही में बहुत ही तेज लग रहे हैं, पर हम हार नहीं मानने वाले, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये ले, इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये ले मुक्का खा, ये ले पैर खा। ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये लास्ट वाला राउंड थोड़ा मुश्किल होने वाला है, पर कैसर आप टेंशन मत लो, हम इसको जीत के रहेंगे, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल बनना है। तो कैसर अगर आप चाहते हो मैं जल्दी से इसको हरा दूं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये क्या, लाइक और सब्सक्राइब बोलते ही नीचे गिर गया। तो गाइस अभी आपने देखा, जैसे मैंने लाइक करने के लिए बोला ये नीचे गिर गया, तो आप फटाफट से लाइक कर दो ताकि मैं इसको पूरा का पूरा नीचे गिरा के नॉकआउट कर दूं, फिर हम जीत जाएंगे ये सारा का सारा पोर्शन। ये ले, पैसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, ब्लू गेंड है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा है, तो गाइस मैं जाने वाला टॉप रोप पे अपना स्पेशल मूव दिखाने। इधर से हम करेंगे जंप और इसको मारेंगे स्पेशल पंच। और गाइस आप देख सकते हो हमने इसको हरा दिया, ये यहाँ पर लेट चुका है। बहुत बढ़िया, तुमने सबको हरा दिया, सारा का सारा स्पीड तुम्हारा। थैंक यू अंकल। चलो गाइस सारा का सारा स्पीड के डब्बे हमारे हो चुके हैं, फटाफट से इनको पी लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा सपना पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। 3, 2, 1 और गाइस हम बन चुके हैं दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एनिमल। आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा तेज भाग रहा हूँ, मैं सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। ये देखो मेरी शक्तियाँ तो खतरनाक हो ही चुकी है, ऊपर से मैं बहुत ज्यादा तेज भागने लग गया हूँ। आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा तेज भाग रहा हूँ, और मैं इतना ज्यादा तेज हूँ कि मैं पूरे टाइम को स्लो मोशन में चला सकता हूँ। आप देखो ये इंसान कितनी ज्यादा धीरे भाग रहा है, अब इसको तेज भगाते हैं। ये देखो भाई, इसको पूरा का पूरा हमने जला दिया है, इसको फटाफट से मारे ये खतरनाक सा पंच। अभी हम इसको स्लो मोशन में पंच मारने वाले हैं, ये कितना ज्यादा तेज हमने इसको पंच मार दिया, पर ये स्लो मोशन पता नहीं चला। 3, 2, 1 और गाइजर आप देखते पूरा का पूरा नीचे गिर चुका है, इसको भी स्लो मोशन में पंच मारेंगे। और ये गाइजर गाड़ी हवा में उड़ने लग चुकी है और इसकी हालत खराब हो चुकी है। तो गाइजर फटाफट से कमेंट करके बता दो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। तो गाइस इस एनिमल से मैं जीने वाला हूँ 99 इयर्स। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बटन रेस रही वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।